ये तो बता सकते हैं आपकी किस तरह की क्वालिटीज देख रहे हैं आप एक्टर में जो शक्तिमान के रोल को जस्टिफाई करे, या फिर आपके जहन में कोई एक्टर हो? अगर नहीं बता सकता, मेरे जहन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था। सिर्फ क्वालिटीज पे बता दीजिए सर। क्वालिटीज देखिए मैंने अपने खुद के प्रोड्यूसरों को जो मेरे साथ है उनको मैंने कहा था कि आपकी कॉम्पिटिशन स्पाइडरमैन से नहीं है, बैटमैन से नहीं है, कैप्टन फिलिप्स से नहीं है, आपकी कॉम्पिटिशन जो हमने 7 साल बनाकर तेरे पर रहकर 25 साल से जो इमेज बनी है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम टू मेक शक्ति। आज भी मेरे को बच्चों के मैसेजेस आते हैं जो 30 साल के हो गए, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड, आपने हमारा चाइल्डहुड बनाया। अब वो चीज जो एक्टर करेगा उसके अंदर ये रहना चाहिए कि वो जब बोले तो लोग सुनेंगे, उसको बोले तो लोग सुनेंगे। वो क्वालिटी किसी एक्टर में है, बड़े बड़े एक्टर हैं उनकी अपनी इमेज बीच में आती है, बट अगेन वही होता है कि कास्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेदर यू कैन डू इट और नॉट इज इम्पॉर्टेंट। यू टेक एन एक्टर हु डजंट लुक द कैरेक्टर, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी सैड एग्जाम्पल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, द फिजिकल कास्टिंग इज अ मस्ट। आप स्टार है कि स्टार है, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा पिक्चर चलेगी तो कंटेंट पे चलेगी साहब, कोई सुपर स्टार नहीं चलाएगा शक्तिमान। अपने बाथरूम में जाके कंफर्टेबल रहिए ना, अपने खुद के प्राइवेसी में कंफर्टेबल रहिए ना। यू मे बी कंफर्टेबल विद योर बॉडी, बट जो कुछ भी किया है अगेन उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने किया है। जैसे कि मैं एक स्टूपिड, मैंने कमिटमेंट का रखे हुए हैं कमिटमेंट, मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, मैं विलन नहीं करूंगा, मैं रोमांटिक सीन्स नहीं करूंगा। अब ये किसी ने मेरे को कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि सर ऐसे कैसे बोल सकता, मैंने कहा बोल सकता हूँ, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। तो यू नो इट इज़ योर, सो उनकी भी क्या प्रायोरिटी है उनको पता, मैं उस पर क्रिटिसाइज करना। ये उद्गार है एक हमारे आज के सुपरस्टार एक्टर की तरफ से, जो जिन्होंने एक मैगजीन को फोटो शूट किया, न्यूड फोटो शूट किया, और उनके बाद उनका वक्तव्य भी आया है कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन से कपड़े रखूं और कौन से कपड़े उतार दूं। ये उद्गार उनके हैं, ये बचकाना है, अगर ये उनके नहीं है तो ये उनके पक्ष में दलील पेश की गई है, इससे बचकाना वक्तव्य मैंने। आप जाके रहिए ना किसी और कंट्री में, जैसे कि फिनलैंड है, जैसे कि स्पेन है, न्यूडिस्ट कैंप्स होते हैं, घूमिए वहां पर खुलेआम। महाशय ने अगर न्यूड फोटो शूट कर दिया तो इसमें क्या हम लोगों को आपत्ति होनी चाहिए कि हम इसके लिए यूज्ड टू? यस, हम इसके लिए यूज्ड टू नहीं है, मर्यादा में रहिए। एक्टिंग यहाँ से होती है, सिक्स पैक से नहीं। समझता है कि वो ज्यादा हमसे समझदार है, उसे आप अवॉइड कीजिए। पहली बात तो ये है कि मैं इसका विरोध करता हूँ, और दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो मुझे लगता है कि हर भारतीय इसका विरोध करेगा। हमारे बच्चे हैं जो रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। यदि हमारे बच्चों को इस तरह का समाज मिलेगा तो वो गलत दिशा की तरफ बढ़ेंगे।